हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे जो कि फ्रेंड यहां पर एमपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत से निकलकर आ रही है। फ्रेंड बता दूं कि एमपी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत से सीएचओ का फाइनल रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, ज्वाइनिंग डेट भी दे दिया है। तो ज्वाइनिंग किस तरह से करना है ये चीज़ आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग में आप लोग उल्टा पुल्टा करेंगे, डॉक्यूमेंट सही से नहीं ले जाएंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग करने में हो सकता है परेशानी। तो फ्रेंड इसके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑफिशियल की तरफ से, तो फटाफट आप लोग सारा चीज़ देख लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम ज्वाइनिंग कर सके और आपको सारी प्रोसेस अच्छी तरह से हो। तो वीडियो पर बने रहे और जानकारी हम देते हैं। तो फ्रेंड हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, नेशनल हेल्थ मिशन एमपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आपको भी यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर इस वेबसाइट पर अगर आप लोग आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हो पोस्टिंग ऑर्डर 295 कॉन्ट्रेक्चुअल सीएचओ का, तो यहाँ पर डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने पर वहाँ पर सारा नोटिफिकेशन अच्छी तरह से खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड करके आपको सारा चीज़ दिखाते हैं। तो फ्रेंड हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए और आपको हम दिखा रहे हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से रिक्वायरमेंट जारी किया गया था, उन्हीं के द्वारा ये 18 फरवरी 2022 की डेट में यहाँ पर रिलीज किया गया है इसका फाइनल रिजल्ट। बता दूँ फ्रेंड कि 6 दिसंबर 2020 को आयोजित सीधी प्रवेश परीक्षा, जो कि माह फरवरी 2021 को आयोजित दस्तेबाज में आप लोग का जो 295 कैंडिडेट है उनका यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर फरवरी माउंथ में अपना काउंसलिंग करवाए थे उन्हीं कैंडिडेटों में से यहाँ पर फाइनल लिस्ट 295 कैंडिडेटों का दर्शाया गया है। आप लोग फटाफट यहाँ पर आइएगा और इस तरह से अपना मैच कर लीजिएगा। एप्लीकेशन आईडी, नेम, जिला, ब्लॉक, एसएससी, उसके बाद मिनिमम नंबर, ये सॉरी एन आई एन नंबर, इस तरह से आप लोग सारा चीज़ मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि किन कैंडिडेटों का नाम इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिन कैंडिडेटों के यहाँ पर नाम आ जाएगा फटाफट समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड आप लोग को जो जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया उस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को फटाफट ज्वाइनिंग कर लेना है। ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है, घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड आप लोग करिएगा क्या कि यहाँ पर देख लीजिए कुछ टर्म कंडीशन, इसके अनुसार से आप लोग ज्वाइनिंग करिएगा। ज्वाइनिंग करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड सीएचओ को 15 दिवस के अंदर आप लोग को ज्वाइनिंग करना है। यानी कि अगर 18 फरवरी के यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है तो आप लोग इसमें 15 दिन ऐड कर दीजिए। जब 15 दिन यहाँ पर ऐड करिएगा तो आप लोग यहाँ पर 5 तारीख के आसपास तक ज्वाइनिंग का डेट आता है, तो 5 मार्च से पहले तक जरूर से जरूर सारे कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेंगे जिस जिला में आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। साथ ही फ्रेंड यहाँ पर एक पॉइंट और देखने वाला चीज़ है कि जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने के पश्चात त्यागपत्र देते हैं बिना सूचना अनुपस्थित होती हैं तो उन्हें 1.2 यानी कि 1,20,000 रुपये के बाउंड की शर्त के अनुसार आपको यहां पर जमा करना होगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, या तो अगर नहीं ज्वाइन करना होगा तो मत कीजिएगा, लेकिन ज्वाइन के तुरंत यहां पर अपना त्यागपत्र नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपको इतना रुपया जमा करना पड़ जाएगा। साथ ही फ्रेंड यहाँ पर बता दूँ कि यदि अप्रिय स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा सीएचओ द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करना होगा। इसलिए टाइम पर आप लोग को ज्वाइनिंग कर लेना है, क्योंकि अगर टाइम पर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, किसी कारणवश आप लेट वहां पर ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको उसके लिए अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति में अगर टाइम लग जाएगा तो और लेट होगा, इसलिए आप लोग टाइम टू टाइम अपना सारा चीज़ यहाँ पर कर लेंगे। साथ ही फ्रेंड यहाँ पर देख भी सकते हो कि आपको सैलरी की बात भी यहाँ पर किया गया है। संविदा अवधि में आप लोग को 25,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, साथ ही अगर आप लोग अधिकतम राशि बात करेंगे तो 15,000 रुपये प्रति महीना आप लोग को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे आपके कार्य को परफॉर्मेंस को देखकर। तो साथ ही फ्रेंड यहाँ पर 13 पॉइंट दिया हुआ है, सारा चीज़ देख लीजिएगा, खुद से सारा चीज़ समझ लीजिएगा। उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो कमेंट करिएगा, हम आपकी जानकारी वहाँ पर क्लियर कर देंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको फटाफट सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। इसी तरह के कोई नया रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं। तो मिलेंगे अगला वीडियो में, थैंक यू।